तीन गुना किराया वृद्धि के नोटिस से परेशान नगरपालिका के दुकानदारों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। शिवपुरी शहर में मौजूद नगरपालिका की दुकानों में रोजगार करने वाले दुकानदारों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुहार लगाई है कि हमें जो नगरपालिका ने नोटिस दिए हैं उनमें किराया ढाई से तीन गुना बढ़ा दिया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। हम बरसों से नगरपालिका की दुकान संचालित कर रहे हैं, जिसमें नियमानुसार हर तीन साल में हम 10% किराया बढ़ाते रहे हैं। नोटिस में प्रीमियम राशि भी मांगी जा रही है, जो किसी भी नजरिए से ठीक नहीं है। हम लोग बमुश्किल अपने परिवार की गुजर बसर कर पा रहे हैं। शिकायत लेकर आए 2 दर्जन से अधिक दुकानदारों का कहना है कि हमसे की जा रही उक्त राशि की मांग को निरस्त किया जाए ताकि हम आराम से अपना रोजगार कर सकें। आप यहाँ क्यों आए हो सभी लोग? ये इसके जनसुनवाई में आए, ये नगर पालिका ने दुकान को किराया तीन गुना किया हुआ है। तीन गुना कर दिया? हाँ। अभी तक क्या तुम किराया दे रहे थे और अब क्या? अभी करीब किराया था 300 रुपये करीब था, 280। हाँ, जो भी है 300 रुपये करीब, अब 900 रुपये करीब कर दिया, 900 रुपये तीन गुना बढ़ा दिया अचानक से। अचानक तो क्या कोई शर्तों में उल्लेख था इस तरह का कुछ? शर्त में कुछ इस तरह का उल्लेख था कि तीन गुना कर दिया जाएगा या कुछ? नहीं, 10% तो अपन तीन साल में बढ़ाते हैं, साल में 36 महीने में 10% बढ़ता है, 10% बढ़ाते हैं, उसके हिसाब से अपन किराया दे ही रहते अभी तक। आपने नगर पालिका से बातचीत की इसमें कि भैया अचानक से तीन गुना क्यों कर दिया? नगर पालिका से बातचीत की मगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। प्रीमियम भी तो मांग रहे हैं ना, प्रीमियम 10,000 रुपये मांग रहे हैं, 10,000 रुपये। अच्छा, किराए के अलावा प्रीमियम भी? हाँ, दोबारा एग्रीमेंट होगा, 30 साल के लिए होगा भैया, अब 30 साल के लिए एग्रीमेंट होगा। अभी तक कितने साल के लिए था? अभी तो चल ही आ रहे हैं सर, आजीवन था, अभी तो आजीवन था, मतलब नहीं अभी ये दफा एकदम नया कानून आ गया वो तो। नहीं तो अब मतलब अब क्या कहते हैं, नया एग्रीमेंट करेंगे, अब दोबारा एग्रीमेंट करना। जब आपका पहली बार एग्रीमेंट हुआ था, जब आपने दुकानें ली होंगी आज से 20-25-50 साल बाद पहले, तब इस तरह का कुछ नहीं था? कितने साल के लिए दी जा रही है? आजीवन थी, मतलब बदल दिया, बदल दिया।